तो कैसे ऑक्सीजन फिल्टर आया उसने चुका बीजेमा कौन के लिए ऊपर रैंकिंग गैम्पलर वीडियो लेकर यहाँ पे आज के मैच के अंदर दो गेमप्ले होने वाले और दोनों काफी ज्यादा खतरनाक गेमप्ले होने वाला है। यहाँ पे अपनी मैंने ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे भाई अब जो मैं ड्रॉप लोकेशन चेंज कर रहा हूँ तो भाई मुझे क्या उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो आपको इस वाली वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपनी एक ड्रॉप लोकेशन बनाओ, तो यहाँ पे मैंने अपनी ड्रॉप लोकेशन चेंज करके यहाँ पे अपनी ड्रॉप लोकेशन बना ली है। यहाँ पे लैंडिंग करता हूँ मैं और यहाँ पे उतरने से मुझे क्या फायदा हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा अभी के अभी। यहाँ पे इस बंदे को टेकडाउन फिनिश किया। अब यहाँ पे वीडियो के अंदर काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि भाई हमें बता दिया करो वीडियो के एंड में कि भाई कितना पॉइंट चाहिए आज की डेट में सुबह कौन कर मिल जाए जिससे आपको, तो भाई आज का पॉइंट आपको बता देता हूँ कितना चाहिए। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑक्सीजन फैमिली मेंबर बन जाओ, ऑक्सीजन आर्मी में जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और यहाँ पे आपका अभी क्या रैंक चल रहा है पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पे सामने रश मारा था बट पीछे से गाड़ी का साउंड आता है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, टीममेट पीछे जा चुका था और सामने मुझे बंदा दिखता है। टीममेट बोलता हो, मैं बोलता हूँ कि भाई पीछे इधर बंदा है, तो यहाँ पे देख अगर तुझे बंदा दिखता है तो वहां से मार रहा हूँ। टीममेट ने बोला मैंने बंदे को डैमेज दिया है और यहाँ पे मैं सीधा रश मारता हूँ। इस बंदे को सीधा टेकडाउन यहाँ पे फिनिश करता हूँ, टीममेट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आज आपको अगर कॉन्कर करना है तो भाई 4620 या 630 पॉइंट अगर आप टच कर लेते हो ना तो आपको कॉन्करर देखने को मिल जाएगा। और ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके रात के 12 बजे तक रहे और उस बीच आपकी रैंक कहीं ना कहीं रहनी चाहिए 100 या फिर 150 भी रहती है तो आपका कॉन्कर इजिली हो जाएगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फास्ट रैंक बढ़ रहा है। तो आपका रैंक अगर 200-150 भी रहता है ना तो आपको इजिली कॉन्कर देखने को मिल जाएगा। ये रात के 11-12 बजे 10 बजे समथिंग रैंक आपकी रहेगी ना इतनी, आपका ड्रॉप होते होते भी 300-350 आएगा और इजीली आपको कॉन्कर देखने को मिल जाएगा। और ये एवरी डे आपका रैंक कितना ही रहना चाहिए करीबन 15 दिन तक, तो यहाँ पे आपका रैंक अगर 150-200 रहेगा ना तो आपको कॉन्कर देखने को मिलेगा। और रैंक 200-150 रहे मतलब रात के 11-10-12 बजे समथिंग इतनी रैंक आपकी रहनी चाहिए, फिर जाके आपको कॉन्कर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अब देखो भाई जो भसड़ होने वाली है, ऊपर बंदा है, टीममेट को बोलता हूँ आराम से पेशेंसली फाइट ले। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कि भाई मेरे पॉइंट कम है अभी, थोड़ा सा रश खेलने के चक्कर में और इस इवेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं पॉइंट उतने नहीं हो पा रहे। अभी तक मेरा रैंक यहाँ पे कहीं ना कहीं होता अच्छा खासा टॉप 10 के अंदर, मतलब मेरा पॉइंट 5000 के समथिंग हो सकता था इजीली, बट यहाँ पे इवेंट थोड़ा सा भाई गलत है और यहाँ पे बंदे भी आपको पता होगा इस सीजन गलत वाले चीट यूज करके आ रहे हैं। हर एक बंदा तो भाई जादू लेके आ रहा है कि उसको हर एक लोकेशन पता होती है। अब यहाँ पे कल भी मैं गेम खेल रहा था और कल भी मुझे एक बंदा मिलता है जो कि चीटर ही था, बट यहाँ पे उससे बात करता हूँ पहले तो बोलता है कि भाई चीट वगैरह यूज नहीं कर रहा, बट उसको मैं जब थोड़ा बोलता हूँ ठीक से तो समझ में आ जाता है उसको भी कि भाई मुझे पता है। और मैं समझ चुका हूँ कि उस बंदे ने कैसे यहाँ पे इवेंट में बंदे मारे, तो मैं आइडिया लगा चुका था और वो बंदा भी एट द एंड मान लेता है कि हाँ मैंने उसको पकड़ लिया है। फिर यहाँ पे वो भाई बोलता है कि भाई लास्ट टाइम मिलता है, मेरा टीममेट भी आपसे बात करना चाहता है। तो यहाँ पे भाई देखो चीट वगैरह भाई इतना यूज करके आ रहे हैं बंदे जिसकी हद नहीं है। अब यहाँ पे देखो भाई सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल बंदा होता है ना और जिसका नॉर्मल सा डिवाइस होता है वो बंदा तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर एक बार के लिए रैंक पुश छोड़ ही देता है। बट यहाँ पे आपको इसमें एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि भाई देखो रैंक पुश आपने करना स्टार्ट कर दिया ना तो सिंपल सा इतना सोच के देखो कि भाई आपने 3 दिन मेहनत कर रही है, सिर्फ 1 दिन और मेहनत कर लोगे आपका कॉन्कर आपको देखने को मिल जाएगा। बस उस 3 दिन के जो मेहनत आपने करी है और उस 1 दिन के चक्कर में आप 3 दिन की मेहनत को भूल के आप रैंक पुश करना छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं ये तो भाई आपकी ही बेवकूफी होगी ना। 3 दिन में तो आपने दिया ना, तो 1 दिन और मेहनत कर लो, और 1 दिन परेशान हो लो, और 1 दिन ज्यादा थोड़ा चीटर से पिट लो। बट यहाँ पे रैंक पुश अगर आपने करना स्टार्ट किया है, कॉन्कर करने का सोचा है, तो भाई करके रहो ना। फिर ये तो आते रहते हैं एवरी सीजन की कहानी, आप नॉर्मल मैच भी खेलोगे तो उसमें भी आपको चीटर्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो भाई ये मेरा पहला मैच था और पहले मैच में गलत वाली भाई किल फिट चमकाई तुम्हारे भाई ने, मतलब गलत वाले बंदे मारे यहाँ पे इस वाले मैच के अंदर। और यहाँ पे जो सामने टीम है ना वो देखो एट द एंड हमको क्या बोल देती है, और ये सुन के आपको भी लगेगा कि भाई ऐसा भी हम करते हैं क्या, मतलब भाई बिलीव नहीं हुआ मेरा टीममेट तो भाई सच के पागल हो गया।
कि ऑक्सीजन भाई इतना गलत मारा है क्या हमने, मतलब भाई अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे टीममेट को तो। और यहाँ पे देखते देखते मेरे 12 किल हो जाते हैं, और यहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ ना देखो यहाँ से, तभी भाई पीछे से बंदा नॉक करता है, टीपी भी लेके मस्त बंदा बैठा हुआ था, बट यहाँ पे ये बंदा मुझे नॉक कर देता है एकदम से, और मेरा टीममेट इस बंदे को डाउन देता है, और मैं टीममेट को बोलता हूँ कि लेफ्ट में बंदा आ रहा है एक और ध्यान से। जैसे ये बंदा आता है मेरा टीममेट इसको भी 1v1 दे देता है, और ये भाई साहब दोनों के दोनों क्या बोलते हैं सुनो आप। भाई क्या ही बोल सकते हैं, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे गेम प्ले की तरफ। तो यहाँ पे लैंडिंग करता हूँ, और यहाँ पे इस वाले मैच के अंदर देखो कम किल पे कैसे मैं चिकन निकालता हूँ, और कैसे मुझे एक अच्छा प्लस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ना आप इतना सा ट्राई करो कि जहाँ पे आप अभी तक लैंडिंग करते आए हो तो वहां से आप थोड़ा सा ड्रॉप लोकेशन भी चेंज करो, या फिर आप इवेंट पे स्टार्टिंग में कूदते ही नहीं हो तो वो और भी अच्छी बात है, आप आसपास के कंपाउंड पे उतर के सीधा लूट करके आओ, और यहाँ पे आके सीधा फाइट लो एक साइड से, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बंदे इस साइड नहीं आ जाता तो वहां से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे बंदे मारना स्टार्ट करो। इन दोनों बंदों को फिनिश किया, और यहाँ पे ये वाला गेम प्ले भाई मतलब किल अपने कम थे, और इस वाले मैच के अंदर अपन ने सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस किया है, क्योंकि अर्ली फाइट में इतने किल नहीं निकलते हैं, जिस वजह से यहाँ पे मुझे सीधा फोकस करना पड़ता है कि भाई अपने को सर्वाइव करना है और चिकन निकालना है। अब यहाँ पे सुबह से मेरे करीबन 3 मैच ऐसे गए हैं जिसके अंदर मैंने अच्छा खासी किल निकाले बट चिकन नहीं निकला, क्योंकि थोड़ा मेरी गलती और टीममेट की तो पूछो मत। यहाँ पे भाई मेरे 3 गेम अच्छे खासे गए थे 16-17 किल के साथ, यहाँ पे चिकन नहीं निकल पाया, वो हो सकेगा तो एक 17 वाला किल वाला गेम प्ले मैं कल डालूंगा, और आपको कल दिखाऊंगा कि भाई उस वाले मैच के अंदर क्या गलत सीन हुआ है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे इवेंट पे ओनली 3 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से बोर्ड था इसको फिनिश करता सामने साइड ऊपर बंदा, टीममेट को बोला सीधा घुस, और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। भाई मेरे नाक के नीचे बंदा बैठा, मुझे दिखा भी नहीं एक बार के लिए बंदा, यह बंदा चाहता ना अगर मेरी तरफ देखता तो मुझे सीधा टेकडाउन फिनिश डाल सकता था। यहाँ पे इवेंट क्लियर करके भाई हम सिर्फ फोकस करते हैं सर्वाइवल पे, क्योंकि बंदे ढूंढते हैं, बंदे मिलते नहीं, हम अलग अलग जाते हैं बट बंदे मिलते नहीं है। अब यहाँ पे सीधे लास्ट जोन फाइट, आप देखो यहाँ पे कैसे हम निकालते हैं, ये भाई साहब ड्रॉप लूटते हैं यहाँ पे जोन के अंदर, जो कि जोन इतना छोटा है, पूरे ड्रॉप के चक्कर में भाई बंदे दोनों के दोनों फिनिश हो जाते हैं, और यहाँ पे यही सीन हमारे साथ भी होने वाला था। अब सामने से एक बंदा डैमेज देता है हमारे हाथी को भी और हमें भी, अब यहाँ पे सीधा हाथी में बैठते हैं और निकलते हैं जोन में, लेते हैं अपनी पोजीशन, 20 बंदे बचे हुए थे, जोन देख सकते हो कितना छोटा हो चुका है, किल यहाँ पे 7 हो चुके हैं, इनफ वाले किल थे, अब सिर्फ चिकन निकालना है या फिर फोकस करना है। टॉप 2 टॉप 5 जैसे जैसे करके अपन चिकन भी निकाल ही लेंगे, और देखो क्या होता है यहाँ पे इस वाले मैच के अंदर। भाई इस बंदे की किस्मत अच्छी है, नॉक तो हो गया इतना दूर बट भाई बंदा कहीं ना कहीं रिवाइव हो जाता है, और यहाँ पे जैसे थोड़ी देर में जोन कटता है तभी बंदों के रोटेशन स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे राइट में भी बंदे थे, और यहाँ पे बाना अभी तक खाली लग रहा था, टीममेट को बोलता हूँ तो आगे जा मैं आता हूँ,
सामने गाड़ी का साउंड आया। भाई हल्का सा आगे फट गया नेट, अगर बंदे के मुंह पे प्रॉपर चल जाए तो बंदा नोकता ही है। सामने वाला बंदा भी मोली करता है, यहाँ पे मैं पीछे होता हूँ पहले। अब यहाँ पे जोन सिंक हो रहा था तो मुझे पता था उन बंदों को जोन में आना है। मेरे पे भी तो है एक बंदा, उसको भी मारना पड़ेगा। इसकी मैं का भाई किल चुराने, एक बंदे को मैंने मारा, दूसरा बंदा भाई प्ले जोन से रोक आता है, सीधा उस बंदे को फिनिश करता हूँ। सामने की साइड फाइट हो रही थी, टीममेट को बोला ध्यान से। सीधा में इधर आया, टीममेट को बोलता हूँ कि भाई गलती मत करना, आगे तो बिल्कुल मत जाना। उन बंदों की फाइट हो रही है, होने दे, उन बंदों को जोन में आना ही आना होगा क्योंकि उन पे जोन अभी नहीं है और थोड़ी देर बाद में भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ये बंदे स्मोक वगैरह करके निकलने की ट्राई करते हैं वहां से। उससे पहले मैं इधर आता हूँ कि मुझे बंदा दिख जाए तो मैं नॉक कर दूं, ये सोच के इधर आता हूँ, बट बंदे भाई अपोजिट चले जाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक बंदे को मैंने डाउन दिया था, दूसरा बंदा प्ले जोन से नो करता, टीममेट ने अच्छा खासा डैमेज दिया था। अब यहाँ पे वो किल तो मेरा टीममेट चुरा लेता है, बट दूसरा बंदा जो सेल्फ रैप हो जाता है वो मेरा कहीं ना कहीं किल खराब कर देता है। बाकी इस वाले मैच के अंदर मुझे 24 का प्लस मिलता है। बाकी आपको हाईएस्ट प्लस कितना मिला मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। आप में से किसी को भी पुश वगैरह करवाना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑक्सीजन फैमिली एंड बाय बाय।